फैमिली, इट इज़ द नेक्स्ट डे और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको मेरी आंखों से पता चल रहा होगा, तो मुझे थोड़ी ठंड लग गई है, क्योंकि थोड़ी ठंड है इस रूम में। और अब भी आज मेरे को दोबारा से थोड़ा मतलब जाना है मार्केट साइड, एंड थोड़ा बहुत सामान लेके आना, जैसे कि मेनली हीटर, क्योंकि अगर मैं हीटर नहीं लाई तो ऐसी हालत मेरी हर रोज़ होने वाली है। बहुत ज़्यादा ठंड है। बाकी थोड़ा मोड़ा सामान और लेके आना, जो कि मैं कल से यही बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब ला रही हूँ तो व्लॉग भी कर ही लेती हूँ। तो अभी मैं वैसे तो खाना खाने गई थी, बट अभी खाना नहीं मिल रहा, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 5 मिनट रेस्ट करके फिर जाती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल नहीं हो रही। और मैं बिल्कुल भी मतलब कैब और ऑटो नहीं करती, मैं पैदल ही जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता। और आज तो मैं बिल्कुल अकेले जा रही हूँ, कोई भी साथ में नहीं है मेरे, तो एंजॉय करेंगे तब भी हम आप लोगों के साथ। तो चलो चलते हैं। फैमिली, फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, बट ऐसा कुछ चेंज नहीं करा है, मैंने कपड़े के ऊपर कपड़ा डाल लिया, मैंने अपने लोअर के ऊपर भी लोअर डाल लिया, ताकि मुझे ठंड कम लगे, और मेरा मुंह पूरा उतर चुका है। तो अभी मैं कैब बुक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से कैब पता नहीं बुक क्यों नहीं होती है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर नहीं होती तो फिर हम पैदल चलेंगे। तो चलो। सो फैमिली, आधे घंटे की मगजमारी के बाद मुझे ये साइकिल मिल चुकी है, मैंने पेमेंट कर दी थी और ये मेरे को मिल ही नहीं रही थी, फिर मैंने इनकी कस्टमर केयर पे कॉल करी, उन्होंने मुझे अनलॉक करके दिए। तो अब हम साइकिल पर राइड करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने कब से साइकिल नहीं चलाई। पहले इसका मैं वो पीछे से क्या बोलते हैं, स्टैंड ऊपर कर दूँ। अब चलते हैं। ओ, इतने टाइम बाद साइकिल चला के अलग ही मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं साइकिल चला लेती हूँ, फिर आप लोगों को मिलूंगी। फाइनली बाइक खड़ी कर दिया, लेकिन ये मेरे से बंद भी नहीं हो रही थी ना, अनलॉक हो रही थी। तो मैंने अभी सपोर्ट टीम को कॉल करा, देन उसके बाद हो गया। अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कहीं खड़ी करने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी। फाइनली मैंने हीटर ले लिया है, जो कि मुझे 1200 रुपये का मिला, और अब मैं आराम से चैन की नींद सो पाऊँगी। बाकी मैंने अभी ऑटो बुक कर दिया, और मतलब मेरा ऑटो 1200 रुपये का हुआ है, मैंने ओला से बुक करा है, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो आएगा। और अब मैं जा रही हूँ, मैं और कुछ नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ इतना सारा सामान उठा उठा के। देखो कितनी देर में आता है, मैं आपको अब जाके मिलूँगी। वैसे तो मैंने इतना कुछ लिया नहीं है, फिर भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। 2000 years later. The next day. पता नहीं ऑटो वाले भैया कहाँ पे रह गए, इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ भैया का, अब मेरे से बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं आपको रूम पहुँच के अब मिलती हूँ। फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ से भूख लगी है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर खाना लेने, काश मिल जाए खाना, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ऊपर जाके पता चलेगा, वो तो खाना मिलेगा ही नहीं। तो देखते हैं में है छोले चावल, तो चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। फैमिली, फाइनली मैंने खाना खा लिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ। ऐसा तो कुछ मैं लेके नहीं आई हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये सीजर्स ली है, सीजर ली है मतलब, और हीटर तो आपने देख ही लिया है, तो एक मैंने हीटर लिया है, तो इसको भी हम चला के चेक करेंगे कि कैसा है। बाकी मैंने थोड़ा खाने पीने का सामान लिया है, एक मैंने ये लिया है लॉटी चोको पाई का बॉक्स, इसके साथ एक और फ्री मिला है। मैं अभी ना ऐसे मतलब छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करती हूँ। और एक मैंने ये मिरर लिया है येलो कलर में,
बाकी मैंने दो मैगी के पैकेट लिए हैं और दो मैंने फ्रूटी लिए छोटी वाली, कितनी क्यूट सी है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़े मोड़े मैंने ये ब्रू के पाउचेस दिए कभी कॉफ़ी पीने का मन कर जाए तो। तो बस मैं यही लेके आई हूँ और आप सब सोच रहे होगे इतनी देर से मैं क्या कर रही थी, तो मैं मार्केट में डोल रही थी मतलब मैं मार्केट में, वैसे तो मैंने को नाइट सूट भी लेना था बट मुझे नाइट सूट कुछ खास पसंद नहीं आया तो मैंने नाइट सूट नहीं लिया। देखो बाकी अब तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, अभी मुझे थोड़ा अपना काम करना है लैपटॉप पे, कुछ असाइनमेंट सबमिट करने हैं मुझे, तो अभी हम वो करेंगे और फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम, वैसे तो वेले ही है हम, तो स्टे ट्यून। सो फैमिली मैं सोच रही हूँ सबसे पहले तो हीटर मैं खोल लेती हूँ और थोड़ी देर लगा देती हूँ ताकि थोड़ा रूम गर्म हो जाए और फिर काम करते हैं अपना। और बाकी मैंने आज अपना स्किन केयर भी नहीं करा और मेरे दाने होने लग गए हैं फेस पे, तो वो भी कर लेते हैं। दी ये ना इस प्लग के अंदर जा ही नहीं रहा, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ शायद इसका कोई और प्लग आता है। मैं तो इतनी खुश हो रही थी कि अब हीटर चलाऊंगी, मेरा मूड ऑफ हो चुका है बहुत ज़्यादा। फैमिली मैं प्लग तो ले आई थी लेकिन ये प्लग पड़ गया है छोटा और मुझे इससे थोड़ा बड़ा प्लग लेना है, तो मुझे दोबारा मार्केट जाना पड़ रहा है। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, वैसे तो मुझे पहले से लग रहा था कि छोटा होगा बट इतनी नॉलेज नहीं है अपन को, तो चलो अब चलते हैं दोबारा से। फैमिली फाइनली मैं प्लग लेके आ गई और हीटर चलने लग गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब, नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी इस रूम में। बाकी यहाँ पे लाइटनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इग्नोर करना उसे, उसका भी कुछ देखेंगे क्या कर सकते हैं। और अभी मेरे को फिर अपना असाइनमेंट करना है तो अब वो कर लेते हैं। ठीक है मेरी मूंछ तक आ गई। क्यों करूँ, नहीं करूँगी, फिर मैं ब्लॉग में डाल दूंगी मेरे सामने ना, तुम अभी इसने बोला ना मत डालना, मत डालना, मैं बता देता हूं मैं तो डालूंगी, ये मत डालना उसको। तुम क्यों करती हो हरकत कैमरे पे फैमिली अभी रात तो नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।